रिंकू सिंह चंद बरस पहले तक दो कमरों के मकान में रहने वाला एक लड़का, जिसे 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख में खरीदा। और इस रकम में बिकने के बाद उसका पहला रिएक्शन था, मेरे खानदान में इतना पैसा किसी ने भी नहीं देखा है। और इसके 5 साल बाद इस बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अब दुनिया कह रही है हमने ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा। रिंकू सिंह ने यश दयाल की बॉलिंग पर लगातार 5 छक्के मार कोलकाता नाइट राइडर्स को हारा मैच जिता दिया। केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। गेंद यश दयाल के हाथ में थी जबकि क्रीज पर थे उमेश यादव। उमेश ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, स्ट्राइक रिंकू को मिली। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस, रिंकू ने इस वाइड लॉन्ग ऑफ के बाहर से छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की ओर लो फुल टॉस, रिंकू ने इसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर तैरा दिया। चौथी गेंद फिर से फुल टॉस, रिंकू ने इस पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन बटोर दिए। अब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। पांचवी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की शॉर्ट पिच डिलीवरी, रिंकू ने इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज 6 रन और बटोर दिए। अब आखिरी गेंद पर 4 रन की जरूरत थी। ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच, रिंकू ने पूरी ताकत से शॉट मारा, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर उड़ गई। कोलकाता ने आखिरी ओवर में गेम 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। और इस जीत के हीरो कौन रहे? रिंकू सिंह। तो चलिए आपको सुनाते हैं रिंकू की कहानी। रिंकू बेहद गरीब घर से आते हैं। उनके पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उसी सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरों वाले मकान में रहता था। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू 3रे नंबर पर है। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता है। 2018 के ऑक्शन में बिकने के बाद रिंकू ने इंडियन एक्सप्रेस के देवेंद्र पांडे से कहा था, सोचा था 20 लाख में जाऊंगा लेकिन मुझे 80 मिल गए। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने भाई की शादी में योगदान दे पाऊंगा और बहन की शादी के लिए भी पैसे बचा पाऊंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। दरअसल रिंकू ने इस दिन से पहले बहुत बुरे दिन देखे थे। इस ऑक्शन से 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख का कर्ज था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके रिंकू पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 टीम के लिए खेलते थे और यहाँ से होने वाली सारी कमाई उन्होंने इस कर्ज को उतारने में लगाई। इस बारे में रिंकू ने कहा था, पापा और भैया महीने के 6-7 हज़ार ही कमा पाते थे। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है इसलिए मेरे पास क्रिकेट पर फोकस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। रिंकू के परिवार का उन पर भरोसा तब बढ़ा जब उन्हें दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल मिली। अब पिताजी इस मोटरसाइकिल के जरिए सिलेंडर डिलीवरी करने लगे। हालांकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने को कहा। इस बारे में उन्होंने बताया था, वो मुझे जहाँ ले गए वहाँ मुझसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा तो अपनी माँ से बोला कि मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाने दीजिए। और फिर भाग्य आजमाते हुए रिंकू आईपीएल तक पहुंचे, जहां वो आईपीएल 2018 से ही केकेआर के साथ हैं। टीम हर बार उन्हें रिटेन कर रही है लेकिन उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर आईपीएल 2022 में उन्होंने दिखाया कि वो बेहतरीन फिनिशर बन सकते हैं। और अब आईपीएल 2023 में गुजरात के खिलाफ उनकी बैटिंग तो सभी ने देखी है, उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 48 रन मार केकेआर को जीत दिलाई। इस वीडियो में बस इतना ही।